अस्सलामुअलैकुम, मैं राजान सुनान। और सुनाए, सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सबको खैर खैरियत से रखें। और मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग और वेलकम हो गया न्यू ब्लॉग में। आज हम बनाने लगे हैं गोभी वाले परांठे और रात गोभी हम दिखाते हैं। ये चेक कर सकते हैं, ये गोभी अभी डालने लगे प्लेट में। ये अलग करेंगे पराठों के लिए और फ्रिज में रख देंगे। ये माशाल्लाह पहला पराठा तैयार करके गोभी वाला वो तवे पे रखते हैं। और अभी इधर चार परांठे बनाने हैं गोभी वाले। और इधर मतलब भाई तैयारी कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, मैं इधर तैयार करके देता हूँ आगे। ये मैंने एक टिक्की में गोभी लगाई होगी, दूसरी टिक्की इसके ऊपर दूंगा। और ये चेक सकते हैं, इधर हमारा परांठा तैयार हो रहा है। ये अभी हमने टिक्की को बंद कर दिया, गोभी लगा के अभी बंद कर दिया। अभी इसको हम तैयार करने लगे। ये माशाल्लाह पीछे कर तैयार कर दिया, अभी जाएगा तवे के ऊपर। माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह ये दूसरा पहला वो माशाल्लाह तैयार हो गई। माशाल्लाह ये चेक करना कितनी बड़ी रोटी है। वो तवा हमारा छोटा है इसलिए ये छोटी अभी रखना। ऐसे औरतें भी नहीं बनाती हूँ जैसे मैं बनाता हूँ। माशाल्लाह ये माशाल्लाह ये रोटी थी तैयार हो गई। और इधर गोभी ख़त्म हो तो तीसरा परांठा भी तैयार हो गया। माशाल्लाह ये आखिरी वो परांठा भी तैयार हो जाएगा गोभी वाला। बताना माशाल्लाह आपको हमारे परांठे कैसे लगे। माशाल्लाह हमारे परांठे चेक करें। और इधर मोदन भाई चाय बना रहे हैं, चाय बन रही है। ये हमारे कमरौल भाई। और इधर मनेर, मनेर क्या हाल है? नमू की जगह है किचन में धोनी है बाहर। ये हमारे आफिस साहब हैं। आफिस साहब की कल की तबीयत ख़राब थी, सर में दर्द था, तो थोड़ा सा बुखार था। तो अभी ये है माशाल्लाह थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई माशाल्लाह। माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं, अभी हम नाश्ता करने लगे हैं। अभी हम नाश्ते के बाद मिलते हैं। ये मशीन में कपड़े डाले थे, अभी कपड़े निकालने लगे हैं, पानी निकाल रहे हैं। माशाल्लाह चेक करें, माशाल्लाह कोई काम शाम नहीं है। ये सामने वालों ने कुत्ते बहुत रखे हुए हैं, अच्छे लगे। जबरदस्त पराठा पकाया, जबरदस्त। ऐसे मैंने बीबी का हाथ में लेकर खिलाया, ऐसे पराठा खिलाया मुझे बीबी ने खिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पराठा बनाया। ये तकरीबन दो साल के बाद बनाया, दो साल के बाद। पहले उधर था आप बर्तन, उधर ये रोटी बनाता था। तो अभी इधर दो साल के बाद इधर बनाया मैंने पहली बार। बहुत अच्छा पराठा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। गोभी वाला पराठा, वो भी गोभी नहीं इंशाल्लाह। अभी आलू वाले परांठे हैं इंशाल्लाह, आलू वाले मूली वाले ये इंशाल्लाह। अभी आटा इसीलिए लाया ना 3 किलो। और माशाल्लाह हमारे परांठे कैसे लगे गोभी वाले? अगर अच्छे लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। और अभी हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।